वेलकम टू मैथ फॉरेस्ट। न्यूमेरिकल एनालिसिस चैप्टर 8 लेक्चर फर्स्ट। आज हम करेंगे चैप्टर 8 जिसका नाम है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। कि हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं वो किससे निकालेंगे, न्यूमेरिकली। तो वो हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कुछ एक ऐसे इक्वेशंस होते हैं जिनके सॉल्यूशन हम नहीं निकाल सकते हैं अलजेब्रिकली, तो हम न्यूमेरिकल मेथड्स की हेल्प लेते हैं। तो उससे पहले हम कुछ डेफिनेशंस कर लेते हैं। पहली डेफिनेशन है ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन? एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ अ रिलेशन बिटवीन अ फंक्शन, इट्स डेरिवेटिव्स एंड द वेरिएबल अपॉन विच दे डिपेंड। मतलब कि कोई भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कब बोलेंगे, जब किन किन के बीच में रिलेशन हो, कोई भी फंक्शन उसके डेरिवेटिव में, एंड जो कोई भी वेरिएबल जो उस पर डिपेंड हो रहा है। मतलब y इज इक्वल टू एफ एक्स है अगर, तो y डिपेंडेंट हो गया ना x पे, तो हमारे पास अगर ऐसा कोई रिलेशन होगा तो हम उस जनरल फॉर्म को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोल देंगे। कैसे? जैसे फंक्शन एक्स वाई वाई डैश वाई डबल डैश एंड वाई एम इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास क्या हो गया कि इस फंक्शन में हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, उनके डेरिवेटिव्स भी है, तो ये इन सब के बीच का रिलेशन आ गया। तो ये हमारे पास हो गई डिफरेंशियल, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। कितने ऑर्डर की हो गई? एम ऑर्डर की हो गई है। ओके, तो वैसे ही हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट ऑर्डर आएगा। अब आप सोच रहे होगे कि ऑर्डर कैसे पता चलता है। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। मान लो कि मैंने कोई इक्वेशन लिखा डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, मतलब कि कितनी बार जो डेरिवेट हुआ है, सबसे ज्यादा जो डेरिवेट हुआ है वही आपका ऑर्डर होगा। जब टू टाइम्स हुआ है यहाँ पे, यहाँ वन टाइम हुआ है, यहाँ जीरो टाइम हुआ है, तो कितने टाइम? टू टाइम्स हाईएस्ट है, तो कितना हो गया इसका ऑर्डर? टू हो गया। इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो गया? टू हो गया। अब आती है डिग्री की बात। डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन द इक्वेशन आफ्टर रिमूविंग फ्रैक्शनल एंड नेगेटिव एक्सपोनेंशियल्स ऑफ द डेरिवेटिव्स। मतलब कि हम क्या करते हैं कि हम बोल रहे हैं कि डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर होगी उसे हम डिग्री बोलते हैं। पर कब? जब वो इक्वेशन फ्रैक्शन फ्री हो जाए और रेडिकल फ्री हो जाए। मतलब कि अगर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट है, कोई भी एक्सपोनेंशियल पार्ट है इक्वेशन में, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट है, तो अगर कोई भी लेगोरिथम पार्ट्स है, अगर ऐसे कोई पार्ट्स होते हैं तो उन्हें फ्री करके उस इक्वेशन को, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा साइन, जैसे मैंने लिखा e की पावर डी बाई डी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो आप ना ऑर्डर ऑर्डर तो आपको दिख रहा है कि डी वाई बाई डी फर्स्ट ऑर्डर की है ये, क्योंकि ए की बार डेरिवेट हुआ है। अब आप डिग्री नहीं बता सकते इसमें, क्योंकि सबसे पहले आपको फ्री फ्रॉम रेडिकल्स करना है, मतलब एक्सपोनेंशियल हटाना है। तो वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू वन बाई टू प्लस एंड सोन। डिग्री कहाँ तक जा रही है? इन्फिनिटी तक जा रही है। तो डिग्री नॉट डिफाइन, तो यहाँ क्या आ जाएगा? डिग्री नॉट डिफाइन। तो डिग्री डिफाइन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, पर ऑर्डर ऑलवेज डिफाइन होगा। ऑर्डर ऑलवेज डिफाइन होता है डिग्री में और मे नॉट, क्योंकि अगर कोई ऐसा एक्सपोनेंशियल पार्ट, लेगोरिथम पार्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट अगर हाईएस्ट ऑर्डर के साथ आता है, जैसे यहाँ पे इस डिग्री इस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर के साथ एक्सपोनेंशियल पार्ट आ गया, तो वहां डिग्री कभी भी डिफाइन नहीं होगी। ये याद रख लो कि जब हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी एक्सपोनेंशियल के साथ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ या लेगोरिथम फंक्शन के साथ आता है, तो वहां डिग्री डिफाइन नहीं होती। अब हाईएस्ट ऑर्डर को गलत मत समझ लेना। मान लिया कि मैंने ये लिखा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, यहां डिग्री डिफाइन है। क्यों? क्योंकि डिग्री कितनी है? वन, और ऑर्डर कितना है? टू। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल या फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ जब ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल या लेगोरिथम पार्ट आएगा तो डिग्री डिफाइन नहीं होगी। हाँ, अगर फ्रैक्शनल है तो आप फ्रैक्शनल को रिमूव कर सकते हो आसानी से, फिर डिग्री डिफाइन हो जाती है।
तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ अगर कोई ऐसी चीजें आती है तो पहले उन्हें रिमूव करना पड़ता है, उसके बाद डिग्री को देखा जाता है कि डिग्री डिफाइन हो रही है या नहीं हो रही। फिर आती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर है या नहीं है। इफ नो प्रोडक्ट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल वाई विद इट्सेल्फ और एनी ऑफ इट्स डेरिवेटिव्स अकर इन द इक्वेशन, कहने का मतलब कि वाई की कोई पावर नहीं होनी चाहिए, और डी वाई बाई डी एक्स, मैंने ये लिख दिया इज इक्वल टू वन, ये लीनियर इक्वेशन है। वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन, ये लीनियर नहीं है क्योंकि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल की डेरिवेटिव के साथ प्रोडक्ट आ गई, पर यहाँ लिखा हुआ था नो प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए थी। ऐसे ही आपके पास क्या होगा, अगर यहाँ पे वाई की पावर आ जाती, मतलब कि वाई की मल्टीप्लाई वाई से हो जाती, तो भी ये लीनियर नहीं रहता। नॉन लीनियर इक्वेशन मतलब कि ऊपर की जो सारी कंडीशंस है वो फॉलो नहीं होती है, तो बाकी जो बची वो सारी नॉन लीनियर इक्वेशन होती है। जैसे ये नॉन लीनियर इक्वेशन है क्योंकि जो लीनियर नहीं है वो नॉन लीनियर है। अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कितने टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। जनरल सॉल्यूशन, अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर m इज अ रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड एम आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। हमारे पास क्या होता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या होते हैं, अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर m इज अ रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड एम आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, देयर एग्जिस्ट नो डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल वाई इन द सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन इन द इम्प्लिसिट फॉर्म इज दिस एंड एक्सप्लिसिट फॉर्म इज दिस। अब आप सोच रहे हो कि मैडम ने तो पढ़ दिया, ये जनरल सॉल्यूशन का मतलब ये है कि जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, हमारा जब सॉल्यूशन होगा तो वाई होगा किसके साथ, रिलेशन में एक्स के साथ और एम आर्बिटेरी कॉन्स्टेंट्स के साथ, कि जितना ऑर्डर होगा उतने ही मेरे पास आर्बिटेरी कॉन्स्टेंट्स होंगे, किसमें, सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन में कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं आएगा। अब होता है कि सॉल्यूशन की फॉर्म कैसे होती है, एक तो हम उसे इम्प्लीसिट फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे एक्स वाई और जो सॉल्यूशन आया था उसके कॉन्स्टेंट सारे। दूसरा हमारे पास होता है सॉल्यूशन के एक्सप्लीसिट फॉर्म की, जिसमें वाई को इस साइड रखो, बाकी सारे फंक्शन के साथ एक्स और जितने आर्बिटरी कॉन्स्टेंट आए हैं वो सारे आपके। अब हमारे पास आता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है कि जो हमारे आर्बिटरी कॉन्स्टेंट आए थे उनकी अगर पर्टिकुलर वैल्यूज पुट कर दी जाए तो वो सॉल्यूशन पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने एन ऑर्डर की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ली है, एन कंडीशन अगर मुझे गिवन है, क्योंकि अगर गिवन कंडीशन नहीं होगी तो कोई ना कोई आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट एग्जिस्ट करेगा, जितने कॉन्स्टेंट है उतनी अगर मेरे को कंडीशंस गिवन है तो मैं कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज निकाल सकती हूँ, और वो वैल्यूज फिर सॉल्यूशन में पुट करने के बाद वो सॉल्यूशन बन जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब आता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, मतलब टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम क्या होते हैं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। पहली आती है आपकी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, जिसमें इनिशियली आपको कंडीशन दी जाएगी, एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर इज ऑफ द फॉर्म एफ एक्स वाई वाई डैश y डबल डैश वाई एन इज इक्वल टू जीरो। मतलब मुझे एक फंक्शन दे रखा है किसका, x, y और उसके डेरिवेटिव्स का, तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है y की, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितनी बार हो रहा है, n टाइम्स हो रहा है, तो हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया n। इफ n कंडीशन आर प्रिस्क्राइब एट वन पॉइंट ओनली, मतलब कि आपको इनिशियली प्रॉब्लम, इनिशियल कंडीशंस दी गई है कि इनिशियली आपको दिया गया है कि एक पॉइंट पे सिर्फ आपको डिफाइन कर दिया, देन डिफरेंशियल इक्वेशन टुगेदर विद द कंडीशंस इज कॉल्ड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। मान लिया कि मैंने एक प्रॉब्लम दी ऐसे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मैंने दे दिया एक्स और मैंने बोल दिया वाई एक्स वाई नोड एक्स नोड इज इक्वल टू वन, ठीक है, और एट एक्स नोड इज इक्वल टू जीरो, कि एक्स नोड जब जीरो होगा तो वाई नोड मेरा वन आएगा, मैंने एक इनिशियल कंडीशन दे दी है, तो हमारे पास क्या हो गया, ये इनिशियल कंडीशन प्रॉब्लम हो गई। दूसरा आता है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर इज अ फॉर्म ऑफ दिस, nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी मुझे,
When the end condition are prescribed at two or more points, then problem is called boundary value problem. मतलब एक से ज्यादा अगर point पे describe कर दी जाए तो वो boundary value problem बन जाएगी. Types of method. अब कितने types के method होंगे इस chapter में? एक होता है single step method. मतलब methods तो काफी होंगे name wise, पर वो method की दो categories है. वो कुछ method single step method में आएंगे, कुछ multi step method में आएंगे. तो single step method क्या होते हैं कि इफ इट इज यूजेस इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट वन प्रीवियस पॉइंट ओनली. मतलब कि मुझे इनिशियल जो वैल्यू दी जाएगी उसी वैल्यू के बिहाफ पे अगर मैं पूरा क्वेश्चन कर देती हूँ, मतलब कि वही वैल्यू यूज करती हूँ और बाकी मैं पूरा क्वेश्चन करती रहती हूँ, तो वो क्या हुआ कि जो मुझे प्रीवियस वैल्यू दी गई थी, प्रीवियस पॉइंट पे एक वैल्यू दी गई थी उसी का हमने यूज किया, तो इसे हम सिंगल स्टेप मेथड कहते हैं. और इसके अंदर कौन से मेथड्स आते हैं? इसके अंदर मेथड्स आते हैं टेलर सीरीज मेथड, रंगे कुत्ते मेथड, पिकार्ड्स मेथड एंड आइलर्स मेथड. अब आता है मल्टीपल स्टेप मेथड, जिसमें एक से ज्यादा स्टेप्स यूज होंगे. इफ इट इज यूजेस इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट मोर देन वन प्रीवियस पॉइंट्स, मतलब एक से ज्यादा प्रीवियस पॉइंट के अलावा वो वैल्यू इंफॉर्मेशन यूज करता है, तो हम उसे मल्टी स्टेप मेथड कहते हैं. तो द मोस्ट कॉमन मल्टी मेथड्स आर आइलर्स मॉडिफाइड मेथड, प्रिडिक्टर कोरेक्टर मेथड, मिलने सिम्पसन मेथड एंड एडम्स बैशवर्थ मेथड. आइलर्स मॉडिफाइड मेथड और आइलर्स मेथड में फर्क है. आइलर्स मेथड में हम एक एक प्रीवियस कंडीशन जो निकालते जाएंगे वो यूज करते जाएंगे. मॉडिफाइड मेथड में ऐसा नहीं होता. मॉडिफाइड मेथड में हम आइलर मेथड का भी यूज करते हैं और मॉडिफाइड मेथड का भी यूज करते हैं, इसलिए दो स्टेप यूज करते हैं इसमें. वो जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. अब हम देखते हैं यहाँ पे नोट्स कि इन दिस चैप्टर वी शैल रिस्ट्रिक्ट अवर सेल्फ टू फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, कि हम इस चैप्टर में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पे ही काम करेंगे, हायर ऑर्डर पे नहीं जाएंगे, तो वो इस टाइप की होगी देखने में. ऑल्सो वी शैल फर्स्ट डील विद इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स एंड विद बाउंड आफ्टर देन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, कि पहले हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स के साथ काम करेंगे, उसके बाद हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स के साथ काम करेंगे. तो हमारे पास आता है यहाँ पे पहला आइलर्स मेथड. सबसे इजी मेथड है आइलर्स मेथड. इसके आगे हम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे. हमारे पास आइलर्स मेथड क्या कहता है कि कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन. सबसे पहले हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी, dy by dx is equal to f of xy. न्यूमेरिकल मेथड्स है तो अप्रोक्सीमेशन पे काम करेंगे, ये चीज हमेशा ध्यान रखना. वेयर y इज इक्वल टू एक्स नोट एट x इज इक्वल टू एक्स नोट, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है ये. इनिशियल एक पॉइंट पे हमें वैल्यू डिफाइन करके दे दी कि जब x इज इक्वल टू एक्स नोट होगा तो y की वैल्यू हमारे पास y नोट आ जाए. यहाँ पे x नोट नहीं है. जब y इज इक्वल टू y नोट होगा एट x इज इक्वल टू x नोट पे. ओके अब हमारे पास देखो, हमने एक ग्राफ ड्रो किया. ग्राफ पे हमने अपने आर्ग्यूमेंट्स को क्या किया, प्लेस कर दिया. उसके कोरस्पोंडेंस हमारे पास क्या है, जो वैल्यूज हम निकाल रहे हैं. मतलब कि आर्ग्यूमेंट तो हमें गिवन होंगे, आर्ग्यूमेंट तो हम खुद डिफाइन करेंगे क्या है हमारे पास. उसके कोरस्पोंडेंस हम क्या निकालेंगे, हमारा वाई नोड की वैल्यूज निकालेंगे, वाई नोड, वाई वन, वाई टू, वाई एम. ठीक है, आखिर में जहां पे हमें सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिलेगा वहां पे हम इस मेथड को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे. तो हमारे पास क्या है, एक्स नोड है, उसके कोरस्पोंडेंस हमने वाई नोड हमें गिवन दिया गया, तो ये एक्स नोड वाई नोड हो गया इनिशियल कंडीशन. अब मेरे एक्स वन के कोरस्पोंडेंस वाई वन हम निकाल लेंगे, एक्स टू के कोरस्पोंडेंस वाई टू, एक्स एम के कोरस्पोंडेंस वाई एम. तो वो हम दिखाना चाह रहे हैं कि इस ग्राफ में ये तो एक्चुअल कर्व था, जो एक्चुअल कर्व है, और ये जब हमने अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन निकाला तब ये कर्व आया. तो अप्रोक्सीमेटली और एक्चुअल में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा. तो जब एक्चुअल कर्व ऑफ सॉल्यूशन थ्रो पॉइंट पी एक्स नोड और वाई नोड, मतलब इनिशियल पॉइंट से हम सॉल्यूशन को स्टार्ट कर रहे हैं एक्चुअल कर्व को. वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग सक्सेसफुली वाई वन वाई टू वाई एम, कि हम क्या है इंटरेस्टिंगली फाइंडिंग कर रहे हैं किसकी, वाई वन वाई टू वाई एम की. वेयर वाई एम इज अ वैल्यू ऑफ कोरस्पॉन्डिंग टू एक्स एम. वाई एम क्या होगी, एक्स एम के कोरस्पॉन्डेंस वैल्यू. एक्स एम हम क्या लेते होते हैं, आर्ग्यूमेंट होता है जो इक्वली स्पेस्ड है हमारा, एक्स नोड प्लस एम एच, और एम क्या होगा वन टू थ्री एंड सोन, जितने हमें इंटरवल्स चाहिए उस पे वैल्यू आ जाएगी. अब हम करना चाहते हैं इसे, और जो मेरा इंटरवल होगा वो मैं स्मॉल लेंगे हम हमेशा. यूजिंग द प्रॉपर्टी दैट इज अ इन अ स्मॉल इंटरवल अ कर्व इज नियरली एट स्ट्रेट लाइन, कि हम क्या करेंगे जब हम इंटरवल बहुत ज्यादा स्मॉल लेंगे
तो मेरा जो कर्व होगा वो स्ट्रेट लाइन में चेंज जैसा दिखेगा आपको. वी अप्रोक्सीमेट द कर्व बाय द टेंजेंट एट द पॉइंट एक्स नोड एंड वाई नोड. अब हम क्या करेंगे, एक्स नोड और वाई नोड पे एक टेंजेंट निकालेंगे. तो वो टेंजेंट कैसा होगा, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट एक्स नोड वाई नोड इज गिवन बाय. टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, वाई माइनस वाई नोड इज इक्वल टू स्लोप एक्स माइनस एक्स नोड. एम क्या होता है, आपका स्लोप होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है उस पॉइंट पे एक्स नोड और वाई नोड पे. तो स्लोप किसके इक्वल होता है, आपके पास डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल होता है, जो कि किस पॉइंट पे है, एक्स नोड और वाई नोड पे. इनिशियल पॉइंट पे हम स्लोप निकाल रहे हैं, जो कि कैसा होगा, एफ ऑफ एक्स नोड और वाई नोड. क्योंकि वाई किसके, डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होता है, डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स वाई के. तो मैं एक्स नोड और वाई नोड पे वैल्यू निकाल रही हूँ, तो वो किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स नोड और वाई नोड के इक्वल होगा. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देयरफॉर इक्वेशन सेकंड बिकम्स, जो मेरी सेकंड इक्वेशन थी कौन सी, ये वाली जो मैंने टेंजेंट इक्वेशन निकाली थी, उसमें मैंने स्लोप की वैल्यू पुट कर दी. तो स्लोप की वैल्यू पुट करने के बाद जो इक्वेशन है वो कैसे बन गई, y माइनस वाई नोड इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स नोड वाई नोड. स्लोप आया एक्स नोड वाई नोड पे इन टू एक्स माइनस एक्स नोड, जो कि क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स नोड वाई नोड एक्स माइनस एक्स नोड हो गया. तो y की वैल्यू क्या आ गई, y नोड प्लस में इस साइड माइनस का y नोड था तो उधर जाके प्लस का हो गया, y नोड प्लस एफ ऑफ एक्स नोड y नोड एक्स माइनस एक्स नोड, एक्स माइनस एक्स नोड. अब हमारे पास क्या है, ये वैल्यू आई है जर्नल फॉर्म में आई है, जर्नल y आया है, जर्नल x आया है. अब हमें क्या करना है, जैसे जैसे x बदलता रहेगा वैसे वैसे y की वैल्यू बदलती रहेगी, क्योंकि हमें y कोरिस्पोंडेंस टू x लेना है. मुझे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालना है y1, किसके कोरिस्पोंडेंस, x1 के. तो मैं y की जगह y1 पुट करूंगी, x की जगह x1 पुट करूंगी. तो मुझे क्या मिला, y1 इज इक्वल टू y नोड प्लस x की जगह जब मैंने x1 पुट किया तो x1 माइनस x नोड f ऑफ x नोड y नोड. x1 माइनस x नोड क्या होता है, दो सक्सेसिव जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स है जब उन्हें हम डिफरेंस करते हैं तो वो इंटरवल के इक्वल आते हैं. तो वो किसके इक्वल आ गए, h के इक्वल आ गए. ये मेरी इक्वेशन हो गई थर्ड. अब इक्वेशन थर्ड है वो मुझे अप्रोक्सीमेशन दे रही है किसका, वाई वन का. फर्दर अप्रोक्सीमेटिंग द कर्व इन द नेक्स्ट इंटरवल, एक्स वन और एक्स टू के इंटरवल पे हम निकालेंगे बाय अ लाइन थ्रू एक्स वन और वाई वन, कि हम एक्स वन और वाई वन के थ्रू लाइन जा रही है, जो किस पे जा रही है, एक्स वन और एक्स टू के इंटरवल पे जा रही है. तो विद स्लोप एफ ऑफ एक्स वन वाई वन वी गिव. अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे पास लाइन जा रही है वो कौन से आर्ग्यूमेंट से होके जा रही है, एक्स वन और एक्स टू के, मतलब कौन सा इंटरवल है एक्स वन और एक्स टू के बीच का, और वो इंटरवल कहाँ से होके जा रहा है, जो लाइन है वो कहाँ से होके जा रही है, एक्स वन और वाई वन से. विद स्लोप एफ ऑफ एक्स वन वाई वन, और उस पॉइंट पे स्लोप क्या है, एक्स वन और वाई वन पे एफ ऑफ एक्स वन वाई वन. तो हमें क्या मिला, वाई टू इज इक्वल टू वाई वन प्लस एच एफ ऑफ एक्स वन वाई वन. ऐसे करते करते हम एक जनरल टर्म आप पे आ गए, वो क्या होगी, y ऑफ m प्लस वन इज इक्वल टू y ऑफ m प्लस h f ऑफ xm ym. तो द एक्चुअल कर्व ऑफ अ सॉल्यूशन इज अप्रोक्सीमेटेड बाय अ सीक्वेंस, कि जो एक्चुअल कर्व होगा हमारा सॉल्यूशन का वो अप्रोक्सीमेटली हम एक सीक्वेंस से निकालेंगे, जो कि ये सीक्वेंस, ये मेरा आयलर मेथड का क्या है, सॉल्यूशन है. मुझे ये याद रखना है, अगर आपको क्वेश्चंस करनी है तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है, बस इसमें m की वैल्यूज पुट करते जाना है और आपको कोरिस्पोंडेंस वैल्यूज मिलती जाएगी. तो ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस इज आयलर्स मेथड ऑफ फाइंडिंग एन अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन, की जो इनिशियल फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की मुझे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी हुई थी उसका सॉल्यूशन हम जहां मुझे डिजायर रिजल्ट लगेगा वहां पे हम स्टॉप कर देंगे. तो द मेथड इज वेरी स्लो एंड रिक्वायर मॉडिफिकेशन. तो ये मेथड बहुत स्लो था क्योंकि इसमें स्टेप बहुत यूज हो रहे थे और ये बहुत ही इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत थी. तो हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे, जो नेक्स्ट इसका होगा आयलर मॉडिफिकेशन मेथड, उसमें हम करेंगे तो और एक्यूरेट रिजल्ट्स आएंगे. तो अब हम करते हैं एग्जाम्पल्स. तो एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा कि आयलर्स मेथड काम कैसे करता है. तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स. पहला एग्जाम्पल मेरा क्या है, गिवन मुझे क्या दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स विद इनिशियल कंडीशन. मुझे किसके साथ दिया हुआ है,
इनिशियल कंडीशंस के साथ दिया हुआ है. वो इनिशियल कंडीशन क्या है, y इज इक्वल टू 1 एट x इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या आएगा, फाइंड y फॉर x इज इक्वल टू 0.1 बाय आयलर्स मेथड. कि आपको कहाँ तक क्या करना है, हमें दिया हुआ है गिवन dy by dx इज इक्वल टू y माइनस x बाय y प्लस x विद इनिशियल कंडीशन कि x नोड तो दिया हुआ है 0 और y नोड दिया हुआ है 1. मुझे कहां पे वैल्यू निकालनी है, x को कहां पे स्टॉप करना है, 0.1 पे, 0.1 तक जाना है. आखिरी जो मेरा xm होगा वो 0.1 होगा और उसके कोरस्पोंडेंस मुझे ym की वैल्यू निकालनी है. तो अब डिपेंड कर रहा है कि m क्या होगा, स्टेप कितने लोगया, तो स्टेप लेने के लिए वही इंटरवल को आपको डिवाइड करना पड़ेगा. तो वो आप कैसे करोगे, देखते हैं हम कैसे करेंगे. सबसे पहले हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, डी हमारे पास क्या क्या है वो हम लिख लेते हैं. मेरे पास एक इक्वेशन है, एक इनिशियल कंडीशन है जिसमें वाई नोड 1 है और एक्स नोड कितना है, 0 है. मेरे पास इतना है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. किसको हम डिवाइड करेंगे, सॉल्यूशन इसको इंटरवल को, जो कि हमें क्या करेगा, हेल्प करेगा, किसकी, सॉल्यूशन निकालने में हेल्प करेगा. तो वो सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, तो वो हम सॉल्यूशन निकालेंगे इस इनिशियल कंडीशंस का यूज करके और इस इक्वेशन का यूज करके. तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, वी डिवाइड द इंटरवल 0.1 इंटू 5 सब इंटरवल्स. हमने इसे 5 सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, 5 सब इंटरवल्स में डिवाइड किया बाय टेकिंग. तो आपके पास h कितना आया, 0.02. सो दैट h कैसे आया, वैसे भी आपके पास कैसे निकालोगे, जैसे आप पहले निकालते थे कि h इज इक्वल टू b माइनस a बाय n, 0.1 माइनस 0 बाय 5, तो 0.1 बाय कितना आ गया आपके पास, 5 आ गया, जो कि आपके पास आया 0.02 आ गया. ठीक है, ये आपका h हो गया. अब आपको x नोड से स्टार्ट करना है. x नोड आपको दिया हुआ है 0, x1 आएगा आपका 0.02 क्योंकि hh ऐड करते जाना है, x2 कितना आ जाएगा 0.04, x3 कितना आ जाएगा 0.06, x4 कितना आ जाएगा 0.08, x5 कितना आ जाएगा 0.1. अब आपको क्या करना है, इनिशियली आपको इनिशियली y नोड इज इक्वल टू 1 एट x नोड इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू दे रखी है. अब आपको बस y1 पे निकालनी है सबसे पहले, तो द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, तो आपको फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालना है वैल्यू एट किस पे, वैल्यू ऑफ y1 एट x1 इज इक्वल टू 0.02 पे. तो वो कैसे निकालोगे आप, y1 इज इक्वल टू, y1 आपका किसके इक्वल हो गया, y1 इज इक्वल टू y नोड प्लस h f ऑफ x नोड और y नोड. जो हमने फॉर्मूला किया था वो फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे आयलर्स फॉर्मूला मैं दोबारा लिख देती हूँ. यहाँ पे आयलर्स मेथड था, तो वो आपके पास क्या था, y ऑफ m प्लस 1 इज इक्वल टू y m प्लस एच एफ ऑफ एक्स एम और वाई एम. जब हम m इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो हमें y1 मिल रहा है y0 जीरो एच एफ ऑफ एक्स 0 y0. अब आपके पास y0 पे वैल्यू कितनी है, 1, और dy वाई बाई डी एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स वाई, और जो कि आपको x नोड और y नोड पे, और एफ ऑफ डी ऑफ एफ एक्स वाई किसके इक्वल दे रखा है, y माइनस एक्स एंड y प्लस एक्स. आपको चाहिए x नोड और y नोड पे, तो क्या आएगा, x नोड y नोड माइनस x नोड और y नोड प्लस x नोड. ये आपके पास आ जाएगा कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0 और 1 प्लस 0 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 1. ये वैल्यू आपके पास 1 आ गई, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं. ये 1 दी हुई थी प्लस में, h की वैल्यू आ गई 0.02 और ये आपके पास 1 आ गई, तो आपके पास टोटल आया 1.02. y1 की वैल्यू आ गई आपके पास. अब आपको निकालनी है द अप्रोक्सीमेशन वैल्यू किसकी, ऑफ y2 की एट x इज इक्वल टू 0.04 पे. तो y2 पे क्या आएगा आपके पास, y1 प्लस h f ऑफ x1 और y1.
सबसे पहले आपके पास y1 क्या आया था, 1.02, जो कि लास्ट में हमने यूज किया था. f ऑफ x1 और y1 क्या आएगा आपके पास, y1 माइनस x1 और y1 प्लस x1. ये क्या हुआ 1.02, और x1 की वैल्यू कितनी थी, ये तो आपके पास x2 है तो x1 की वैल्यू क्या थी 0.02 और 1.02 प्लस 0.02, ये आपके पास वैल्यूज आ गई. तो अब आपके पास क्या होगा, y2 किसके इक्वल हो जाएगा 1.02 प्लस 0.02, एंड f ऑफ x कितना है 1.02 माइनस 0.02 अपॉन में 1.02 प्लस 0.02. जब आपने इसे सॉल्व किया तो 1.02 प्लस 0.02 इंटू 1.04 इज इक्वल टू 1.02 प्लस 0.0192 इज इक्वल टू 1.0392 आ गया आपके पास. नेक्स्ट आप अप्रोक्सीमेशन कौन सी निकालते हो, द अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ y3 एट x3 इज इक्वल टू 0.06 इज गिवन बाय, वो कैसे आ जाएगी आपके पास, y3 इज इक्वल टू y2 प्लस h f ऑफ x2 y2. तो आपके पास y2 कितना आया था 1.0392 प्लस h कितना है 0.02, और यहाँ पे f ऑफ x2 y2 कितना आ गया आपके पास y2 माइनस x2 और y2 प्लस x2, तो 1.0392 माइनस 0.04 और अपॉन पे कितना आएगा 1.0392 प्लस 0.04, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1.0392 प्लस 0.02 और आपके पास आएगा 0.992 अपॉन में 1.0792. तो ये आपके पास सॉल्यूशन आता है, वो आता है 1.0577, ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया. अब आपको क्या करना है, द अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ y4 एट x4 इज इक्वल टू 0.08 इज गिवन बाय, वो क्या आएगी आपके पास गिवन बाय y4 इज इक्वल टू y3 प्लस h f ऑफ x3 y3. ओके, तो हमारे पास y3 क्या आया था, अभी अभी हमने निकाला है 1.0577, h कितना है 0.02 और f3 y3 कितना होता है हमारे पास y3 माइनस x3 और अपॉन में y3 प्लस x3, तो ये 1.0577 माइनस 0.06 अपॉन में 1.0577 प्लस 0.06, तो ये आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पे 1.0577 प्लस 0.02 और यहाँ पे आपके पास कितना आएगा यहाँ पे 0.9977 अपॉन में 1.1177, जो कि आपने सॉल्व किया तो आपको मिला 1.0577 प्लस में 0.0179 इज इक्वल टू 1.0756. नेक्स्ट आपके पास लास्ट अप्रोक्सीमेशन लेता है, द अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ किसकी y5 की एट x5 इज इक्वल टू 0.1 और इज गिवन बाय, वो कैसी होगी आपके पास, कैसी होगी y5 इज इक्वल टू y4 प्लस h f ऑफ x4 y4, जो कि किसके इक्वल होगा y4 प्लस h कितना आ जाएगा y4 माइनस x4 और y4 प्लस में x4 आ जाएगा आपके पास, जो कि हम वैल्यूज पुट करेंगे तो आएगा 1.0756 प्लस h 0.02 और आपके पास कितना आएगा 1.0756 और माइनस 0.08 अपॉन में 1.0756 प्लस 0.08, तो जो कि आप सॉल्व करोगे तो आएगा 1.0756 प्लस 0.02 और आपके पास आएगी 0.9956 1.1556, जिसे आपने फर्दर सॉल्व किया तो आया 1.0756 प्लस 0.0172 इज इक्वल टू आपके पास आ गया 1.098. तो ये हमने जब सॉल्व किया तो ये आ गया सॉल्यूशन.
तो अपने पास आया हैंस एट x इज इक्वल टू 0.1 द रिक्वायर्ड अप्रोक्सीमेशन, जो आपके पास रिक्वायर्ड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है किसकी, ऑफ y की, इज कितनी आ गई 1.0928, ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन। तो अब आपका होमवर्क है, होमवर्क में आपको क्या करना है, यही सेम बहुत इजी मेथड था, इसीलिए मैं सिर्फ एक एग्जांपल करवा रही हूँ, क्योंकि एक से आपको बहुत अच्छे से समझ आया कि एम की वैल्यूज चेंज करते जाओ और आपको सॉल्यूशन मिलता जाएगा। तो एग्जांपल, ये एग्जांपल सेकंड ही है जो कि आपकी बुक में गिवन होगा, पर फिर भी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ। अप्लाई आयलर्स मेथड, आपको क्या करना है, टू सोल्व डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एट y0 इज इक्वल टू 0 चूजिंग, यहाँ पे क्या होगा, आपको स्टेप गिवन है, चूजिंग द स्टेप कितने लेंथ इज इक्वल टू, कितनी लेंथ आपको लेनी है, लेंथ h इज इक्वल टू 0.2 और आपको किस पे वैल्यू निकालनी है, फाइंड y 1.4 पे आपको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो काफी इजी, आपको सब कुछ दे रखा है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दे देते हैं आपको, एक और दो प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आयलर्स मेथड यूज करना है, फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ वाई कोर एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, और आपको क्या करना है, गिवन दैट आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई विद इनिशियल कंडीशन, और आपको इनिशियल कंडीशन क्या दे रखी है, जो कि y इज इक्वल टू 1 एट x इज इक्वल टू 0 पे। यहाँ पे आपका आयलर मेथड खत्म होता है। आयलर मेथड काफी इजी था, तो यहाँ पे हमने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं किए, एक ही क्वेश्चन से आपको समझ आ गया है बिल्कुल। नेक्स्ट हम करेंगे आयलर्स मॉडिफाइड मेथड। तो हमारे पास इस चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है, जिसका एक मेथड हो चुका है, नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट मेथड होगा। ऐसे जितने मेथड होंगे उतनी वीडियोज आपको इस चैप्टर की मिलेगी। For notes, queries and PDF file of this video, join our Telegram channel, link in the description. Don't forget to like and share videos and subscribe the channel. Thank you.